अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद बात करेंगे जिसको हम पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्मोकिंग काफ़ी कॉमन है। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो है तकरीबन 18-90% जो पॉपुलेशन है वो उसको स्मोकिंग करती है। काफ़ी इसमें मेल है, फीमेल की भी कंट्रीब्यूशन अब बढ़ रही है इसके अंदर, तो स्मोकिंग काफ़ी कॉमन है। और अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान 12th नंबर पे है स्मोकिंग के अंदर। तो ये काफ़ी हमारा जो है वो पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग की हैबिट में मुब्तला है। अब सबको पता होगा कि स्मोकिंग जो है उसके कई रिस्क फैक्टर हैं, उससे लंग की बीमारियां, दिल के मसाइल और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बीइंग ए पीडियाट्रिशियन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बच्चों पर स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर खुद तो उस एज के अंदर टीनेज से पहले स्मोक नहीं कर रहे होते, तो उसको इनडायरेक्टली स्मोक इफेक्ट करता है। तो स्मोकिंग बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली आप खुद स्मोक कर रहे हो, आप धुआं इनहेल कर रहे हो। दूसरा ये है कि जो आप स्मोक कर रहे हो उससे दूसरों को जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग का जो बंदा होता है वो नॉर्मल जो बंदा खुद स्मोक कर रहा होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो स्मोक हमारा धुआं है उसकी दो टाइप्स होती हैं जो पैसिव स्मोक के लिए होती हैं। एक तो जो बंदा स्मोक कर रहा है, जो खुद सिगरेट पी रहा है, वो धुआं जो इनहेल करता है वो जब उसको एक्सहेल करेगा, बाहर निकालेगा, तो उससे जो साथ वाला बंदा है वो इफेक्ट होगा। सेकंड ये है कि जब सिगरेट या कोई भी चीज़ है जो जब जलेगी तो उसकी बर्निंग से जो चीज़ें जो गैसेस बनती हैं, जो एलिमेंट निकलते हैं, तो वो उसको इफेक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें पैसिव स्मोकिंग के अंदर आती हैं। अगर सिगरेट के धुएँ को देखा जाए और इसके अंदर जो गैसेज को देखा जाए तो उसमें 7000 तक केमिकल्स और गैसेज होती हैं, और 70 उसके अंदर ऐसे होते हैं जो कैंसर करवाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रूम या एक कमरा या एक किसी भी जगह पे जब एक बंदा सिगरेट पीता है तो 5 आवर्स मतलब 5 घंटे तक उसका असर रहता है। 5 घंटे के अंदर अगर कोई और बंदा, कोई और बच्चा, कोई और फीमेल आती है उस कमरे के अंदर, तो उसको जो सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोक है उसका इफेक्ट उसके ऊपर होता है। तो 5 आवर्स होते हैं। सिगरेट पीने या सिगरेट के धुएँ की कोई सेफ लिमिट नहीं है। अगर आप एक सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट का धुआँ आप किसी जगह पर छोड़ते हैं तो वो उतना ही डेंजरस है जितना कि आप 20 कर रहे हैं। डेंजरस, उसके साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसका कोई सेफ लेवल या सेफ लिमिट नहीं है। अब बच्चों पे इसके असरात क्या होते हैं कि अगर एक घर के अंदर एक मर्द या कोई औरत स्मोकिंग कर रही है, उस घर के अंदर कोई और लोग रह रहे हैं, तो बच्चों पर खास कर क्या असरात होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रेगनेंसी के। सपोज एक घर है उसके अंदर एक प्रेगनेंट फीमेल रह रही है और साथ एक बंदा है या एक बंदी है जो स्मोकिंग कर रही है, तो उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। जो स्टडीज हुई हैं उसमें शो हुआ है कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उस पर भी सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोक इफेक्ट करता है। किस तरह? बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, इवन हमने ये भी देखा है कि बच्चों की जो है वो माँ के पेट के अंदर डेथ हो जाती है, उनकी प्री मेच्योरिटी मतलब पहले पैदाइश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। जब एक बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद उसके फर्स्ट ईयर के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम सिड्स कहते हैं, जो कि एक्रोनिम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का, जिसमें बच्चा बगैर किसी वजह के सोए सोए फौत हो जाता होता है। तो उसमें भी देखा गया है कि जिन फैमिलीज के अंदर स्मोकिंग का कंसेप्ट पाया जाता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है कि बच्चा बगैर किसी वजह के अचानक ही फौत हो जाता है। तो स्मोकिंग इसके साथ भी रिलेटेड है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर भी स्मोकिंग उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि छाती के मसाइल। ऐसे बच्चों जहाँ के फैमिली के अंदर स्मोकिंग हो रही होती है उनको छाती के मसाइल ज़्यादा होते हैं, बार बार नमोनिया होते हैं, फ्लू के मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर तो दमे का मसला हो तो वो भी ज़्यादा, उसको बार बार दमे के अटैक होते हैं स्मोकिंग की वजह से। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं जिसके अंदर ये शो किया गया है कि इवन कैंसर का मसला जो है उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है जो स्मोक से उनका एक्सपोजर होता है, और इवन जो है मेनिनजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार का मसला भी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है जो कि बच्चों के ऊपर जो कुछ कर नहीं रहते और आपकी वजह से उन पर असर पड़ रहे हैं। तो अब करना क्या है? पहली तो चीज़ ये है, कोशिश करें स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग किसी कोई सेफ लिमिट नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है, और इवन आपके लिए नहीं बल्कि आप मुआशरे के लिए भी इसको जो है उसके साइड इफेक्ट दिलवा रहे हैं आपको। तो पहली तो चीज़ है कि स्मोकिंग को आप छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूर करें ताकि आपके बच्चे इससे मुतासर ना हो। उसमें यह है कि घर के अंदर आपने स्मोक नहीं करना। जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 घंटे तक जो है स्मोकिंग का इफेक्ट रहता है, अगर कोई और बच्चा आएगा तो उस पर इफेक्ट होगा। तो घर से बाहर स्मोक करें, बालकनी में करनी है तो विंडोज़ और शीशे बिल्कुल बंद हो। अब ये ना समझें कि कमरे के अंदर आप स्मोक कर रहे हैं तो पूरा घर उसके साथ सेफ हो जाएगा, बल्कि उसका धुआं जो है वो पूरे घर के अंदर फैलता है और पूरा घर उससे इफेक्ट होता है। तो घर से बाहर स्मोक करें, स्मोक करते हुए घर खिड़कियां और चीज़ें बंद होनी चाहिए।
गाड़ी के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी, ये बड़ा एक होता है कि गाड़ी के अंदर लोग स्मोक करते हैं, अगेन वहाँ 5 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है, तो गाड़ी में स्मोकिंग नहीं करनी। थर्ड ये है कि आप बच्चे को कहीं ऐसी जगह ना ले जाएं जहाँ स्मोकिंग की गई हो, क्योंकि वहाँ पे फिर यही इफेक्ट आता है। तो उम्मीद है जो लोग करते हैं स्मोकिंग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और उसको इतना आप करेंगे। थैंक यू।